हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग मैट्रिक पास है तो आप लोग गुड्स कार और स्टेशन मास्टर बहुत ही इजीली बन जाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक्चुअली एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस एक्चुअली है, देखिए सबसे पहला वाला पैराग्राफ देखिए, अटेंशन इज इनवाइटेड टू पैरा नंबर 122 ऑफ IREM फर्स्ट रीप्रिंट एडिशन 2019 डिटेलिंग। देखिए इसमें लास्ट में देखिए, स्टेशन मास्टर्स इन लेवल 6 अगेंस्ट 25 जनरल सिलेक्शन कोटा। तो GDCE के तहत जो स्टेशन मास्टर को भरा जाता था पोस्ट स्टेशन मास्टर का, वो 25% सीट भरा जाता था, आप लोगों को ये मालूम ही होगा। फिर सेकंड नंबर पैराग्राफ में देखिए, द मैटर, ये वाली पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड बाय बोर्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट शंटिंग मास्टर, जमादार एंड TNC इन लेवल 6 मे ऑल्सो बी मेड एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 अगेंस्ट 25% जनरल सिलेक्शन कोटा। दिस विल बी ट्रीटेड एज ए लेटरल ट्रांसफर एंड नॉट एंटाइटल्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ पे इन सेम लेवल ऑफ स्टेशन मास्टर। देखिए यहाँ पर यही बताया गया दोस्तों, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये वाली जो लाइन है ये वाली इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बताया गया आपको कि बोर्ड एंड इट हैज़ बिन डिसाइडेड द शंटिंग मास्टर एंड जमादार लेवल 6 मे ऑल्सो बी मेड एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। तो पहले जो क्या होता था कि शंटिंग मास्टर और जमादार जो होते थे वो लोग स्टेशन मास्टर के पोस्ट में सिर्फ आते थे, तो मतलब वो लोग स्टेशन मास्टर के पोस्ट में नहीं आते थे दोस्तों, सॉरी, वो लोग स्टेशन मास्टर के पोस्ट में नहीं आते थे डायरेक्टली, सिर्फ पॉइंट्स मैन को नॉर्मली प्रमोशन दिया जाता था GDCE के तहत। तो अब क्या कर दिया गया है दोस्तों, देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये वाले जो पैराग्राफ है यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि द लास्ट लाइन ऑफ पैरा स्टाफ इन लेवल 1 देखिए, फिर मे बी अलाउड टू अपियर विथ क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया साफ साफ कि अब अगर आप लोग सिर्फ मैट्रिक पास किए हुए हैं, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, देखिए वैसे तो मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन करके ही आते हैं ग्रुप डी में, या तो ग्रेजुएशन या तो डिप्लोमा किए हुए रहते हैं, बट अगर आप लोगों ने सिर्फ मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है, मैट्रिक के साथ डिप्लोमा हो गई तो वो तो अलग बात हो गई आपकी, बट अगर सिर्फ मैट्रिक है आप लोगों की, तो आप लोग अगर नॉर्मली जैसे आप लोग मान लीजिए पॉइंट्स मैन की पोस्ट पे हैं, पॉइंट्स मैन या शंट मैन या मास्टर, पॉइंट्स मैन या जमादार या शंट मैन जो होते हैं, तो मेनली फोकस कीजिए आप लोग पॉइंट्स मैन में। अगर आप लोग पॉइंट्स मैन में हैं और रेगुलर आप लोगों ने 5 साल सर्विस किया है, तो आप लोग विदाउट ग्रेजुएशन, मतलब बिना ग्रेजुएशन के ही आप लोग आराम से एलिजिबल हो जाएंगे रेलवे, मतलब आप लोगों को एलिजिबल कर देगी कि आप लोग स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसके बाद जो एग्ज़ाम वगैरह सब होती है, साइको वगैरह, साइको फिर नॉर्मल जो मेडिकल आप लोगों का होता है, वो सारा कुछ क्वालिफाई करके आप लोग स्टेशन मास्टर के लिए आराम से अपेयर हो सकते हैं और स्टेशन मास्टर बन सकते हैं दोस्तों। तो पहले ऐसा होता था कि मतलब जो मैट्रिक हैं वो लोग स्टेशन मास्टर नहीं बन सकते थे, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही बन सकते थे, बट अगर अब मैट्रिक पास आप लोगों ने किया है तो 5 साल तक सर्विस देने के बाद आप लोग एलिजिबल आराम से हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर जिनको ये डाउट हो रहा है कि अगर वो लोग मैट्रिक पास किए हैं, या फिर अगर मतलब जो लोग ग्रेजुएशन हैं, जो लोग ग्रेजुएट किए ग्रेजुएट हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या वो लोग अपीयर नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैट्रिक पास लोगों के लिए 5 साल तक है। 5 साल तक मैट्रिक पास लोग अगर सर्विस देंगे तो वो लोग एलिजिबल होंगे, बट अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, तो नॉर्मली जो पहले जो रूल थी रेलवे में, कि वो अभी भी अक्सर ये रूल है कि 2 साल, हाँ 2 साल ही, तो 2 साल होने के बाद अगर आप लोग 2 साल आप लोगों ने नौकरी किया है पॉइंट्स मैन के पोस्ट पे, तो 2 साल नौकरी करने के बाद आप लोग आराम से GDCE की वैकेंसी फिल कर सकते हैं,
तो अगर ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है तो आप लोग 2 साल के बाद आराम से फिल कर सकते हैं, और मैट्रिक अगर किया है तो मैट्रिक वालों के लिए ही सिर्फ ये वाली नियम आई है कि 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए ये पैराग्राफ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर एक और लाइन आपकी अटैच है, देखिए पैरा नंबर 122, अपर एज लिमिट ऑफ प्रमोशन ऑफ स्विचमैन एंड लीवमैन ऑफ केबिन मैन वेर एवर दे आर कंसिडर्ड इन लीव ऑफ स्विचमैन एज स्टेशन मास्टर अगेन 25% कोटा। मतलब यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट होता था, जो GDCE के तहत एक्चुअली फिल किया जाता था, वो पोस्ट आपकी 25% फिल की जाती थी। और पहले क्या थी कि आप लोग GDCE के वैकेंसी, मतलब आप लोग अगर पॉइंट्स मैन में हैं या फिर किसी भी अदर पोस्ट पे हैं, मतलब ग्रुप डी में अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो, और आप लोगों ने 50 साल तक, और आप लोगों का 50 साल नहीं हुआ है तो 50 साल तक कंप्लीट होने तक आप लोग GDCE की वैकेंसी फिल कर सकते थे। बट अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर, हाँ अब क्या है दोस्तों कि 50 साल नहीं, अब आप लोग 45 साल तक सिर्फ कर पाएंगे, 45 ईयर्स तक आप लोग सिर्फ कर पाएंगे दोस्तों, 50 साल नहीं। तो 5 साल तो यहाँ पर घटाया गया है, माइनस किया गया है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 45 ईयर्स भी बहुत साल होती है, बहुत मैक्सिमम एज होती है। तो यहाँ तक भी लोग आराम से मेहनत करते हैं, और मेहनत करके वो लोग आराम से गुड्स कार्ड या GDCE के तहत कोई भी अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, क्लर्क वगैरह बन सकते हैं। तो ये वाली आई थी, और देखिए जैसे ये तो आपकी दोस्तों सिर्फ GDCE के तहत कितनी परसेंट पोस्ट फिल की जाती है, ये वाली है। और एक और है देखिए, बाकी सारी जो परसेंटेज है, जो रेलवे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड की पोस्ट सब जो भर्ती है, मतलब लेवल 6 की जो भी पोस्ट है वो सारी जो भर्ती है रेलवे, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा 25% फिल करती है, सॉरी 25% नहीं दोस्तों, 60% फिल करती है। और LDC के तहत जो, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है, जैसे हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने ग्रुप डी फिल किया तो उसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला जाता है, तो उसमें 60% सीट वो लोग सिर्फ रेलवे भरती है। और LDC के तहत दोस्तों 15%, फिर जनरल सिलेक्शन जो होती है 25%। तो यहाँ पर LDC है 50%, डायरेक्ट है 60%, और 25% है दोस्तों एक्चुअली ये जो जनरल सिलेक्शन बोला गया है, यही आपकी GDCE है। तो यही आपकी दोस्तों ये जो परसेंटेज दिया गया है, इसी के तहत लेवल 6 की सारी पोस्ट फिल की जाती है। तो यही आज की अपडेट थी। और एक और अपडेट है दोस्तों, जो लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में, एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो जॉइनिंग की प्रोसेस चल रही है वो कब तक कंप्लीट होगी। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले अपने सारे वीडियो में बताया है, एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था इसके लिए, कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है दोस्तों कि रेलवे ने बोला है ऑफिशियली अपने एक यूट्यूब चैनल है रेलवे का, एक्चुअली उसमें रेलवे ने ये साफ साफ बताया था कि जुलाई तक वो सारी प्रोसेस वो कम्प्लीट कर देगी, बट ये अगस्त तक लग जाएगा दोस्तों। तो अगस्त एंडिंग तक ये मैक्सिमम लोगों को जॉइनिंग लेटर रेलवे भेज देगी, और बचे हुए लोगों को हो सकता है तो सितंबर की महीना भी, मतलब सितंबर की मंथ भी वो लोग लगा सकते हैं आराम से। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, अपनी सारी डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, और प्रिपरेशन अच्छा से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी है ये जो बालासोर की एक्चुअली अभी हुई थी रेल दुर्घटना, तो बालासोर के बाद एक्चुअली रेलवे थोड़ी स्पीड मोड में आ गई है। और एक्चुअली रेलवे ने ये एक नोटिस भी जारी किया था, अश्विनी वैष्णव ने, मतलब सारे जोनल रेलवे से एक रिपोर्ट मांगा था कि जो भी वैकेंसी है जिस भी जोन में, वो सारा 31 दिसंबर 2023, मतलब 31 दिसंबर तक, मतलब इसी साल की एंडिंग तक सारी खाली पोस्ट को, सारी वैकेंसी को रेलवे ने भरने के लिए बोला है, एक ऑर्डर जारी कर दिया है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लोग रेडी रहिएगा, और अच्छे से पढ़ाई अपना कीजिएगा, ताकि नई वैकेंसी जो आने वाली है वो बहुत जल्दी ही आएगी, और नई वैकेंसी में वो लोग फिल करके सिलेक्शन अपने ले सकते हैं। तो यहीं पर अपना एंड करता हूँ मैं वीडियो दोस्तों, चलिए जय हिंद, धन्यवाद।